This is Aslam. He is a student, but he is weak at school and wants to improve. And then he thought of getting a tutor. Meet Seema, she is an experienced teacher. Seema will help Aslam improve his skills. She will also prepare him for the university tests Aslam is having next year. She visits Aslam and teach at his home. No more bad grades, Aslam is happy. Identify needs.

अपने घर में इलेक्ट्रिक फैंस देखे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फैन जो होता है वो किस तरह से जो है वो वर्किंग करता है कि अगर हम देखें कि अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फैन है और मैं उसका जब स्विच ऑन करती हूँ तो जैसे ही मैं उसका स्विच ऑन करती हूँ स्टूडेंट्स तो वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होती है ठीक है और जो स्पीड यानी कि उसकी जो रोटेश मोशन है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंक्रीज होती जाती है या फिर अगर आप देखें कि हमारे पास उसके साथ जो एक आपके पास एक रोटेटर लगा होता है उसके जरिए भी आप उसकी जो जो स्पीड है उसको कम या ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं ठीक है थेके? अब अगर हम देखें तो ये चीज़ जो है यानी कि रोटेटर की मदद मतलब से आप उसकी वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं या फिर वो जो मतलब कि आप अगर स्विच ऑन या ऑफ करते हैं उस वक्त भी आप ये चीज नोट कर रहे होते हैं कि उसकी वेलोसिटी में कुछ ना कुछ वेरिएशन आ रही है अगर वेलोसिटी में वेरिएशन आती है स्टूडेंट्स और अगर वो बॉडी रोटेटरी मोशन एग्जीक्यूट कर रही हो तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है ठीक है और एंगुलर वेलोसिटी जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी जो है वो हमारे पास क्या होती है कि अगर हमारे पास जो हमारे पास डेल्टा थीटा था यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज हो रही हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारे पास क्या होगा वो एंगुलर वेलोसिटी होगी जिसको हमने ओमेगा से डिनोट किया था ठीक तो ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है और अगर हमारे पास यानी कि एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही हो यानी कि ओमेगा चेंज हो रहा हूँ तो फिर हम कहेंगे कि उसके पास उसकी जो एंगुलर एसेलरेशन है वो जो है वो हमारे पास वो हमारे पास एंगुलर एसेलरेशन कहलाएगा यानी कि एंगुलर हमारे हमारे पास पास क्या रिस्पेक्ट टू टाइम ठीक अब इसको हम किस तरह से इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो हम किस तरह से निकालेंगे स्टूडेंट्स अगर मेरे पास जो हमारे पास वेलोसिटी है अगर मैंने फैन का ही केस ले लिया है तो कि मेरे पास initial, initial जो velocity है वेलोसिटी जिसे मैं कह रही हूँ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जो है वो मैंने ओमेगा आई से डिनोट किया है ठीक है और इसको मैं एक फिगर के जरिए भी दिखा देती हूँ कि ये हमारे पास मतलब कि बिल्कुल वही चीज़ है कि हमारा का कोई रोटेटरी बॉडी है और वो फैन भी हो सकता है ठीक है ये उसका एक्सेस ऑफ मतलब कि सेंटर है जिस पॉइंट के अलोंग जो है वो बॉडी रोटेट करिए जिसको हम कहते हैं सेंटर पॉइंट ठीक और ये मतलब कि ये पॉइंट हम इसको कह देते हैं कि ये पॉइंट पी है जो पी पॉइंट है उसको हमने एक पॉइंट यानी कि एक स्मॉल पार्टिकल किया है यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक स्मॉल पार्टिकल है जो कि रोटेशन जो है वो परफॉर्म कर जिसे हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो हमारे पास क्या है डेल्टा थीटा ठीक है और ये उसकी रोटेशन है यानी कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है वो एरो से शो की गई है अगर हम देखें कि हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी स्टूडेंट्स वो द टेंजेंट होंगी यानी कि हर पॉइंट

अब अब अगर हम यहाँ मैंने जो इसकी यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो पॉइंट पी था यानी कि पॉइंट पी पे हमारे पास जो पार्टिकल है वो अभी इस पोजीशन पे है और वहाँ थोड़े आ, मतलब कि आफ्टर टाइम डेल्टा टी वो इस पॉइंट पे पहुंच जाता है ठीक है तो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो मैंने ओमेगा आई लिख दी है अब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है स्टूडेंट फाइनल फाइनल वेलोसिटी जो है उसको लिख देते हैं कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जो है वो हमारे पास क्या है ओमेगा एफ यानी कि इस पार्टिकल की या फिर आप इस मतलब कि इसको एक स्मॉल पार्टिकल हमने कंसिडर किया और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी आई है जिसे मैं कह रही हूँ एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्या है स्टूडेंट्स ओमेगा एफ आई है ठीक है अच्छा अब इसको इन मतलब कि 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 क्योंकि मैंने मैंने ये एक एक इंस्टेंट 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 पे पे यानी का क्या मतलब है कि मैंने एक इस पे उसकी वेलोसिटी की वैल्यू नोट की है जिसे मैंने इनिशियल वेलोसिटी किया है कहा है और ये मैंने एक इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी की वैल्यू नोट किया जिसे मैंने क्या ओमेगा एफ का नाम दिया है यहाँ भी मैं लिख देती हूँ कि ओमेगा एफ है और यहाँ मैं लिख देती हूँ ओमेगा आए ठीक है अब क्योंकि ये इंस्टेंट इंस्टेंट पे किसी एक इंस्टेंट का क्या मतलब है कि आप एक टाइम पे एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई वैल्यू नोट करें तो ये इसको हम इंस्टेंटेनियस जो है एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हैं ओमेगा आई ओमेगा एफ ठीक है और ये मैंने जो जिस टाइम के लिए नोट किया यानी कि इसको मैंने जो नोट किया वो टी आई टाइम के लिए नोट किया है यानी कि उस टाइम जो टाइम था वो टी आई था जिसे इनिशियल टाइम कहूंगी और ये मेरे पास फाइनल टाइम है जिसमें मैंने ये वैल्यूज नोट किया अब अगर मैं एवरेज स्टूडेंट्स निकालना चाहती हूँ यानी कि एवरेज एंगुलर एक्सलरेशन की वैल्यू निकालना चाहती हूँ तो उसको हम डिनोट uh, करते हैं एल्फा से और

एक्सेलरेशन जो है वो हम जानते हैं कि हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसके लिए हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है ठीक है उसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो दोनों रिक्वायर्ड होते हैं उसको डिफाइन करने के लिए इसी तरह हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन है स्टूडेंट्स ये भी एक वैक्टर क्वान्टिटी है अब इसकी जो डायरेक्शन है ये हमारे पास क्या होती है अलॉन्ग दलॉन्ग द एक्सेज ऑफ रोटेशन जो कि हमने राइट हैंड रूल से निकाला था कि हमारे पास एक्सेज ऑफ रोटेशन क्या है अगर मैं ये ऑरेंज लाइन से जो शो करने जा रही हूँ ये मेरे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा स्टूडेंट्स और ये राइट हैंड रूल से हमने निकाला था जैसे कि पिछले लेक्चरर्स में भी हमने आ, जो है ये मतलब कि ये आ, जो हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो रूल है जिसके तहत हम इसकी डायरेक्शन निकालते हैं वो है राइट हैंड राइट हैंड रूल ठीक है और उसमें आप क्या करते हैं कि आप अपनी फिंगर्स को यानी कि फिंगर्स को जो है वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में कर्ल करते हैं ठीक है थीके? इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि फिंगर्स जो है वो आपकी कल होनी चाहिए डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के लॉन्ग और जो थम होगा वो पॉइंट आउट करेगा कि आपकी जो है वो एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या है और वो हमारे पास बेसिकली अल्फा की डायरेक्शन होगी जो कि एंगुलर एक्सलरेशन है स्टूडेंट्स हमारे पास यानी कि थम जो है वो पॉइंट आउट करेगा हमारे पास जो है किसकी डायरेक्शन को हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को ठीक है तो ये तो डायरेक्शन की बात होगी अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स के यहाँ हमारे पास जो एंगुलर एक्सेरेशन का हमारे पास यूनिट क्या होगा अब यूनिट जो है यूनिट की बात कर लेते हैं कि हमारे पास अल्फा जो है अगर डेल्टा ओमेगा को देखें तो हमारे पास वो क्या होता है हमारे पास रे, रे मतलब कि रेडियंस पर सेकंड होता है ठीक है और टाइम दोबारा हमारे पास सेकंड में आ गया तो इसका जो यूनिट बन गया स्टूडेंट्स वो हमारे पास रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर हो गया और इसके जो अदर यूनिट्स हैं वो हमारे पास इसको रेवोल्यूशन में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं और इसकी कन्वर्जन जो है वो आपने देखा होगा कि हमारे पास वन रेवोल्यूशन जो है वो हमने देखा था कि हमारे पास थ्री डिग्री के बराबर होती है वन रेवोल्यूशन जो है हमारे पास थ्री डिग्री के बराबर होती है तो इसमें जो आप इसकी जो कन्वर्जन है वो भी कर सकते हैं तो लेकिन जो इसका ऐसे यूनिट है वो हमारे पास क्या है रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर रेडियंस पर सेकेंड स्क्वेयर ठीक अब एक आखिरी बात जो हम इसमें करते हैं स्टूडेंट्स वो ये है कि जिस तरह से हमने अभी इस एंगुलर एक्सलरेशन के लिए इसकी कैलकुलेशन की हैं इसके फार्मूला की कैलकुलेशन किए हैं वहां मैंने ये केस कंसिडर किया था कि मेरे पास ये जो पॉइंट पी जिसे मैंने लिखा है वहां मैंने एक पार्टिकल कंसिडर किया ठीक है और एक पार्टिकल है जो कि रोटेटरी मोशन जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है यानी कि एक सेंटर पॉइंट के अराउंड जो है उसकी रोटेशन हो रही है लेकिन इस पॉइंट यानी कि इस पॉइंट पी की जगह आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे पास कोई एक रिजिड बॉडी है यानी कि एक होल बॉडी भी आप कंसिडर कर सकते हैं जो कि मैं पर्पल कलर से शो करने जा रही हूं, कि ये हमारे पास एक पूरी एक रिजिड बॉडी है जिस तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि एक रॉड है हमारे पास और वो रॉड जो है वो एक रोटेटरी मोशन जो एग्जीक्यूट कर रहा है जिस तरह से अगर मैं उसको यहां बनाऊं अलग से तो मेरे पास एक ये रॉड है जो कि मतलब कि यहां रिवॉल्व कर रहा है इसके एक एक पॉइंट कह रहा हूं ठीक है अब अगर हम देखें कि ये जो रॉड है उसके लिए जो कैलकुलेशन्स होंगी वो बिल्कुल सिमिलर होंगी वो एक पॉइंट के लिए यानी कि एक पॉइंट के लिए जो आपने कैलकुलेशन किए हैं ये वाली सारी वो बिल्कुल उसी तरह हमारे पास एक रिजिड बॉडी के लिए भी वही कैलकुलेशन जो हैं वो सिमिलर होंगी यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा इसी इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हम लोग अगर एक रिजिड बॉडी यानी कि जो रोटेटरी बॉडी है जो कि रिजिड बॉडी क्या कौन सी बॉडी होती है कि हमारे पास Uh, मतलब बॉडी होती है आप कह सकते हैं ठीक है उसको हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक लाइन यानी कि एक पार्टिकल जो कि पी पॉइंट पे हमने कंसिडर किया था उसके बजाय आप जो लाइन है ओ पी लाइन जो है वो होल कंसिडर कर सकते हैं यानी कि आप उसको ये वाली कैलकुलेशन जो है वो एक रिजिड बॉडी के लिए भी यूज कर सकते हैं यानी कि इस मतलब ये कि आप यही वाला जो फार्मूला है यानी कि अल्फ़ा इजिकल्स टू डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इंसेंटेनियस जो एसेलरेशन की वैल्यू है यही आप जो है फार्मूला और यही जो आ, मतलब एवरेज एसेलरेशन का जो फार्मूला है यही फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं फॉर अ रिजिड बॉडी और यही फार्मूला आपने एक पॉइंट पार्टिकल के लिए भी यूज़ किया था तो ये इनकी जो कैल्कुलेशन हैं वो सिमिलर होंगे तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास एंगुलर एक्सेरीशन का कॉन्सेप्ट जो कि आज हमने समझने की कोशिश की है